हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरहू जोटा ब्लॉग। ये है दोस्तों 2024 इनोवा क्रिस्टा का सेकंड टॉप मॉडल यानी VX 8 सीटर वेरिएंट। इसकी प्राइसिंग आप स्क्रीन पे चेकआउट कीजिएगा, जो कि केवल और केवल डीजल में ही उपलब्ध है। दोस्तों, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं, आइए चलिए बात करते हैं। फ्रंट प्रोफाइल आप देख पा रहे हो, काफी शानदार एरोडायनामिक शेप दिया गया है और सबकी पसंदीदा MPV है दोस्तों। और आइए चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट में प्रोवाइड किया गया है प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट, जो कि लो बीम में है। हाई बीम में यहाँ पे हेलोजन बल्ब दिया गया है और साथ में 4 स्लॉट में यहाँ पे DRL प्रोवाइड किया गया है, LED DRL, बहुत ही अमेजिंग डिजाइन में। जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा, नीचे आपको हेलोजन बल्ब के रूप में फॉग लैम्प और साथ में टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन दिया गया, साथ में क्रोम फिनिश दिया गया। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी उपलब्ध कराया गया है। फ्रंट ग्रिल की अगर हम बात करें तो बहुत ही अमेजिंग डिजाइन में दिया गया है, जिसके ऊपर क्रोम फिनिश दिया गया है, बीच में टोयोटा का बड़ा सा लोगो दिया गया है। नीचे नंबर प्लेट की जगह ADM आपको ब्लैक कलर में, और फ्रंट स्किड प्लेट ब्लैक कलर में दिया गया, जिसके ऊपर क्रोम फिनिश आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। क्रिस्टा की बैजिंग दिया गया है। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी अमेजिंग, काफी शानदार है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक अवेलेबल कराया गया है, और इसके साइड प्रोफाइल में आपको 16 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील प्रोवाइड किया गया है। व्हील साइज है 205/65R16। ORVM आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दिया गया है, LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि बॉडी कलर में दिया गया है। फ्रंट में रेन सेंसिंग वाइपर प्रोवाइड किया गया है। रूफ लाइनिंग की बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों, और वहीं इसका जो बी पिलर है, सी पिलर है और इवन स्लाइटली डी पिलर है, पूरी तरह ब्लैक्ड आउट किया गया है। क्रोम फिनिश में यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। तकरीबन 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह, और इसका फ्यूल लिट लेफ्ट साइड दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाली है, बहुत ही अमेजिंग डिजाइन, नजदीक से दिखाना चाहूंगा। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिया गया है साकफिन एंटीना इंटीग्रेटेड स्पॉयलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प वॉशर डिफॉगर एंड रियर वाइपर। कन्वेंशनल एल शेप्ड यहाँ पे टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह। टेल गेट के लेफ्ट साइड इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग दिया गया है। सेंटर में टोयोटा का लोगो और राइट साइड 2.4 V की वैजिंग। नंबर प्लेट के ठीक ऊपर रिवर्स पार्किंग कैमरा प्रोवाइड किया गया है। बॉडी कलर रियर बम्पर दिया गया है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ। दोनों ओर हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। ओवरऑल इसका रियर प्रोफाइल काफी शानदार। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर्स दिए गए हैं। ओपन करते ही फ्रंट डोर पे आपको कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और डोर्स पे आपको यहाँ पे फैब्रिक टच दिया गया है, जो कि इसके प्रीमियमनेस को बढ़ाते हैं दोस्तों। वही और यहाँ पे एक डार्क वुडन फिनिश दिया गया है, और डोर लॉक पे आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश, और यहाँ पे दिया गया है पावर विंडो के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल, और डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार अमेजिंग प्रीमियम आपको यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट प्रोवाइड किया गया है। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन प्रोवाइड किया गया है, इल्यूमिनेटेड ब्लू इंसर्ट्स में, और साथ में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह स्टोरेजेस दिए गए। नीचे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का बटन दिए गए हैं, लेड पैडल दिया गया है, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है। फैब्रिक अपहोस्ट्री ड्यूल टोन में प्रोवाइड किया गया है। 7 एयरबैग आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी में। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर दिए गए हैं। क्रिस्टा की बैजिंग जिसके ऊपर दिया गया है फैब्रिक अपहोस्ट्री के ऊपर। सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट जिसके नीचे स्टोरेजेस, और साथ में आपको क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक कप होल्डर दिया गया है। और ट्रांसमिशन की बात करें तो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, जिसके ऊपर क्रोम फिनिश दिया गया है, और जिसके आगे आपको यहां पे स्टोरेजेस दिए गए हैं, फोन वगैरह रख सकते हैं। यहां पे इको मोड, पावर मोड एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, टर्बो का चार्जर और एयरबैग डीएक्टिवेशन का स्विच दिया गया है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है। साथ में 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। हैजार्ड लैम्प ठीक ऊपर दिया गया है, और यहाँ पे वॉच दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एनालॉग दिया गया है, राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड आरपीएमीटर, बीच में MID दिया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। 3-spoke टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप में दिया गया है। वुडन टच भी दिया गया है। लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और डैशबोर्ड पे ही यहाँ पे आपको छोटा सा ग्लोव बॉक्स आपको प्रोवाइड किया गया है, जस्ट इसके अंडरनीथ आपको
यहाँ पे एक ग्लोब बॉक्स दिया गया है, कुछ इस तरह आप ओपन कर सकते हैं। सफिशियंट जगह आपको यहाँ पे मिल जाती है। डैशबोर्ड लेआउट पे कुछ इस तरह का डार्क वुडन फिनिश दिया गया जो कि इसकी प्रीमियमनेस को बढ़ाते हैं। और यहाँ पे को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया लाइट फंक्शन के साथ। सेंटर में आपको कैबिन लाइट दिया गया है ट्विन कैबिन लाइट हैलोजन बल्ब के रूप में, और साथ में आपको सनग्लास होल्डर भी दिया गया है। यहाँ पे ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर दिया गया है वो भी लाइट फंक्शन के साथ कुछ इस तरह। और IRBM आपको डे नाइट दिया गया है जो कि मैनुअली एडजस्टेड है। दोस्तों चलिए आप बात करते हैं सेंटर रो की, ओपन कर लेते हैं डोर को। और यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन सैटिन सिल्वर फिनिश, डार्क आपको वुडन फिनिश, और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं, और यहाँ पे फैब्रिक स्ट्रस दिया गया है। नीचे 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह। सेंटर रो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 60-40 स्प्लिट ओटोवा दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 दिए गए हैं, और साथ में आर्मरेस्ट दिए गए हैं कुछ इस तरह का ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। चलिए अब अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, पावर सॉकेट दिया गया है। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है जो कि काफी प्रीमियम है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा, को पैसेंजर सीट के पीछे आपको यहाँ पे ट्रे दिया गया है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसे, और जो कि आपको ड्राइवर साइड भी देखने को मिलता है। और साथ ही आपको यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह का एम्बियंट लाइट ब्लू शेड में और सैटिन सिल्वर फिनिश, और यहाँ पे कैबिन लाइट हैलोजन बल्ब के रूप में कोट हुक भी दिया गया है, और एसी वेंट आपको रूफ माउंटेड दिया गया है। ऑटो यानी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन दिए गए हैं, कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल, साथ में यहाँ पे आपको हैलोजन बल्ब के रूप में कैबिन लाइट, और नी रूम लेग रूम काफी शानदार डिजाइन दिया गया है, हेडरूम काफी अमेजिंग दिया गया है जिसके लिए बिग थम्स अप। लेफ्ट साइड से चेकआउट करा देता हूँ तो सेंटर में दिया गया है आर्मरेस्ट, और यहाँ पे कप होल्डर, और कुछ इस तरह का बहुत ही शानदार कप होल्डर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो कि आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। हल्के से आगे से इसे पुश करिए और तो 2 कप होल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत ही शानदार, जैसे कि BMW और ऑडी कार में आपने देखा होगा। और चलिए अब बात करते हैं रियर सीट से, तो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस तरह, इसको हल्के से पुल करके आप नीचे से इसे वन टच टम्बल डाउन कर सकते हैं और इजीली यहाँ पे एक्सेस हो सकते हैं। एक बार रियर सीट आपको दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ पे 50-50 स्प्लिट होता है, रियर सीट दिया गया है, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। और चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो सबसे पहले हम चेकआउट कर लेते हैं कितना स्पेस यहाँ पे दिया गया है। नी रूम लेग रूम जस्ट सफिशियंट है, और हेडरूम आप देख पा रहे हो 5'2" हाइट है मेरी, और यहाँ पे सफिशियंट जगह है, और रूफ माउंटेड एसी वेंट प्रोवाइड किया गया है, और कुछ इस तरह कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दोनों ओर दिया गया है, और साथ में आपको यहाँ पे दोनों ओर कप होल्डर प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह, और दोनों ओर चेकआउट कर सकते हैं। अब इसे अनफोल्ड कर देते हैं और चलते हैं बूट एरिया की तरफ। तो यहाँ पे आपको दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन बूट गेट पे, तो हल्के से पुश करके आप ओपन कर सकते हैं इसके बूट गेट को। तो यहाँ पे 300 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है 8 सीटर होने के बावजूद भी, और रियर सीट को आप 50-50 स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि नजदीक से आपको दिखाना चाहूंगा। ये आगे की ओर 9 के साइड से स्प्लिट होता है दोस्तों, और राइट साइड दिया गया है बूट लैंप, कुछ इस तरह ऑन ऑफ भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पे हेडरेस्ट दिया गया है जो कि आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं 3 पैसेंजर्स के लिए। और स्पेयर व्हील की बात करें तो जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है स्टील व्हील के रूप में, इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं, और अंदर आपको दिया गया है ग्रैब हैंडल, ग्रैब करके कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं। वहीं हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 2.4 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो कि 148 BSP की पावर एंड 343 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी क्लेम करती है तकरीबन 15 km/h की माइलेज। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो प्रोवाइड किया गया है 7 एयरबैग, ABS/CVT, रिवर्स एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3-point सीट बेल्ट ELR सिस्टम, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट, IRBM, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, प्रिटेंशनल एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक,
डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों 2024 इनोवा क्रिस्टा सेकंड टॉप मॉडल की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड, कंपेरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।